हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। अगर आप जो है विवो की आईडी जो है अभी तक इशू नहीं कराई है और इशू कराने का जो है वो इरादा रखते हो, तो दोस्तों ये वीडियो डेफिनेटली जो है आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो है आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो अक्सर जो है लोग जो विवोक आईडी इशू करवाना चाह रहे होते हैं वो फेस कर रहे होते हैं। तो दोस्तों हुआ कुछ, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है मुझे जो है किसी काम से जो है कराची कस्टम हाउस जो है वहां जाना पड़ा। तो मैं वहां पर जो है बैठ के जो है इंतजार कर रहा था, तो मैं दूर से देख रहा था कि जहां पर विवो की फाइलें जहां जमा होती है, तो वहां पर जो है लोग अपनी फाइलें लेके आ रहे थे। भाई साहब जो वहां बैठे हुए थे वो फाइलें चेक कर रहे थे और वापस उनको दे रहे थे, वो फाइलें लेके वापस जा रहे थे। मतलब फाइलें आ रही थी और फाइलें जा रही थी, तो कोई भी फाइल जो है जमा नहीं हो रही थी। तो मैं भी परेशान हो रहा था दूर से कि भाई ये आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो फिर मैंने क्या कि मैं जाकर पता तो करूं कि मसला क्या है, कि क्यों लोग आ रहे और जा रहे हैं। तो मैं जाके करीब बैठा ताकि मैं सुन सकूं कि उनके साथ मसला मसाइल क्या है। तो जब मैं करीब जाके वहां बैठा तो मैंने देखा कि जो है जो भाई साहब जो है वो फाइलें चेक कर रहे थे, जो ऑफिसर वहां बैठे हुए थे, तो वो जो है उसके अंदर से जो है वो मिस्टेक्स निकाल निकाल के इनके डॉक्यूमेंट्स में दे रहे होते थे कि भाई ये चीज नहीं है, ये चीज कमी है, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। मतलब आप एवरेज लगा ले, मैं तकरीबन वहां पे जो है वो मैं एक घंटा वहां पे बैठा, तो अंदाजा एवरेज जो है 10 फाइलें अगर वहां पे आई होंगी तो 10 में से 9 फाइलें जो है वो वापस चली गई। बड़ी मुश्किल से कोई एक फाइल जो है उन्होंने उन साहब ने जमा की। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे यही डिस्कस करूंगा कि भाई आखिर जो है उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐसी क्या गलती थी जो जो है वो वापस जा रहे थे। कोई कह रहा था कि भाई मैं 10 दफा आया हूं, कोई कह रहा है कि मैं 8 दफा आया हूं, धक्के खा रहा हूं। तो मैं इसीलिए जो है आपके साथ पूरी डिटेल के साथ मैं बात करने वाला हूं कि आपको आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है अगर आप विवोक आईडी के लिए जो है रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो। तो जो अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जहाँ पे जाकर मैं आपको तमाम डिटेल जो है मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आ गया हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ मैं पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ क्या मसले होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर और क्या वो गलती कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये वो पेज है जहाँ पर हमने पूरी डिटेल जो है हमने लिख के रखी हुई है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चाहिए, सब चीजें जो है हमने लिख के रखी हुई है। तो सिर्फ आप गूगल पे जाके हाउ टू गेट विवोक आईडी आप लिखोगे तो ये पेज आ जाएगा, इस पर क्लिक करके आप अंदर पहुंच जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक जो है हम दे देंगे आपको। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट अरेंज करने पड़ते हैं अगर आपको जो है विवोक आईडी चाहिए होती है। तो इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है नादरा वेरिफिकेशन। नादरा वेरिफिकेशन जो दोस्तों पहले जो होती थी वो कुछ इस तरह से ये रही, नादरा ही सहूलत पहले जो निकलती थी जो वो इस तरह की कोई जो है स्लिप निकलती थी जिससे जो है काम हो जाता था, लेकिन अब जो है ये नहीं चलती। जो लोग जो कुछ आ रहे थे तो उनके पास इस तरह की नादरा वेरिफिकेशन, जो नादरा वेरिसेस जिसको कह रहे होते हैं, तो ये वो लेके आ रहे थे, तो ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जो नादरा की जो वेरिसेस निकलते हैं वो जो उस पर निकलते हैं उसके ऊपर जो है आपका आपका नाम डिटेल सब चीजें होंगी और प्लस जो है आपकी तस्वीर भी होगी, मतलब वो फोटो वाली नादरा वेरिसेस जो है वो निकलती है जिसके अंदर तस्वीर भी लगी होती है। अब वो कहाँ से निकलती है, वो किसी भी जो है नादरा ई सहूलत से जो है आप निकलवा सकते हो। अगर आप कराची के अंदर हो तो कराची में जो है वो कस्टम हाउस के सामने जो गली है उसके अंदर जो है लोग बैठे हुए हैं, ये निकाल के दे रहे हैं, इसके 500 रुपए वो लेते हैं और उसको प्रिंट निकाल के जो है वो नादरा वेरिसेस दे देते हैं। तो नादरा वेरिसेस निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि और जिसकी जो है निकलवानी है कि वो खुद वहां पे आए, बस उसका एनआईसी का नंबर भी होगा तो एनआईसी नंबर से भी जो है वो नादरा वेरिसेस जो है ये निकल जाएगा। अब मैंने वहां पे जो है एक ऐसी भी जो है वहां पे फाइल आते हुए देखी जिसके अंदर जो रिक्वेस्ट लेटर लगा हुआ था वो जो है जिसके नाम पे जो बना हुआ था वो गलत बना हुआ था। जो रिक्वेस्ट लेटर आप बनाओगे वो किसके नाम पे बनवाओगे मैं आपको बताता हूँ, ये देखे आप बनाओगे द असिस्टेंट कलेक्टर विवोक यूजर आईडी एमसीसी ACPP ईस्ट कस्टम हाउस कराची, तो यही आपको एज इट इज जो है लिखना है यहाँ पे। तो कुछ लोग जो है वो डायरेक्टर कस्टम और पता नहीं क्या क्या लिख के जो है वो लेके आ रहे थे, तो वो सब वो राउंड करके फाइल है उनकी वापस जा रही थी। तो अगर आपने भी गलत लिखा है तो ये सही कर ले, तो यहाँ पर यही चीजें आ जाएंगी। ये जो फॉर्मेट है हम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है शेयर कर देंगे आपके साथ, ताकि आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सको। अब बात आती है जो है IRS 181, ये 181 जो है इसके आगे ही देखे लिखा हुआ है ऑर्डर टू ग्रांट रिफ्यूज मॉडिफिकेशन टू रजिस्ट्रेशन ऑन एप्लीकेशन।
181 जो है वो दो तरह के आते हैं, एक तो जो है फॉर्म प्रिपरेशन के लिए आता है और दूसरा जो है ये ऑर्डर टू ग्रांट उसके ऊपर लिखा होता है कुछ इस तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ। ऑर्डर टू ग्रांट ये लाजमी होना चाहिए क्योंकि 181 जो है वो दो तरह के आ रहे होते हैं, तो आपको जो है ऑर्डर टू ग्रांट का प्रिंट निकालना है और पूरा प्रिंट निकालना है जितने भी इसके अंदर पेजेस हो। अब बात करते हैं कि वैलिड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सर्टिफिकेट। अब जो इसके सर्टिफिकेट में तो बनने में काफी टाइम लग रहा होता है। लोग पहले क्या कर रहे थे कि जो इसकी रिसीविंग होती थी ना, रिसीविंग जो स्लिप होती थी उससे काम चल जाता था। अब स्लिप इसकी किस तरह की होती थी मैं आपको बता, रिसीविंग स्लिप कुछ इस तरह की होती थी तो इससे काम चल जाता था, लेकिन अब जो है इससे काम नहीं चलेगा। आपको जो है वो प्रोविजन सर्टिफिकेट लेनी होगी, और प्रोविजन सर्टिफिकेट कैसी होगी मैं आपको बता। अब आप देख रहे हो स्क्रीन के, ये है प्रोविजन सर्टिफिकेट। इस तरह की सर्टिफिकेट जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इशू करता है। जब आप जो है तमाम एप्लीकेशन वगैरह उसके अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए आप जमा करते हो तो एक अपनी कंपनी के जो है लेटर हेड के ऊपर एक रिक्वेस्ट भी टाइप कर दें कि भाई हमें जो है प्रोविजन सर्टिफिकेट इशू करें क्योंकि हमें विभोग आईडी के लिए अप्लाई करना है। तो वो इस तरह का जो है प्रोविजन सर्टिफिकेट ये इशू करके आपको दे देते हैं और इससे जो है आपका काम चल जाता है। तो कुछ लोग जो है वहां पर आ रहे थे वो ये वाली स्लिप लेकर लेकर आ रहे थे, तो इससे जो है काम नहीं चलने वाला दोस्तों, आपको ये प्रोविजन सर्टिफिकेट चाहिए तो इसका अरेंज करके जो है आप जाइएगा। उसके बाद है ये बिजनेस प्रमाइसेस करंट यूटिलिटी बिल। अब इसके अंदर जो है ये जो ऑफिस, जो भी आपका ऑफिस है, जो भी आपकी जो बिजनेस प्रमाइसेस है, ऑफिस है, घर है, जो भी है, उसका जो यूटिलिटी बिल होगा यानी के इलेक्ट्रिक का जो बिल होगा उसका जो एड्रेस होना चाहिए ना, वो एड्रेस जो है एग्जैक्ट सेम होना चाहिए जो आपके 181 आपके एनटीएन के अंदर जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, वो एड्रेस जो है वो बिल्कुल इस बिल के अंदर सेम होना चाहिए। अगर नाम किसी और का है तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ इशू आएगा एड्रेस के अंदर, एड्रेस वही होना चाहिए जो आपका 181 के अंदर है। अगर एड्रेस में कोई मसला है, डिफरेंस है, तो फिर जो है हो जाता है फिर भी, लेकिन फिर जाके एसी से बात करना होता है डिटेल, फिर मसाइल जो है फिर विजिट वगैरह होते हैं तो फिर भी हो जाता है, लेकिन अगर एड्रेस आप बिल के अंदर एड्रेस करवा सकते हो तो ये बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद जो है बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट का जो है मैंने एक के अंदर इशू देखा, बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट जो बैंक से इशू होती है, तो जब आप बैंक के जाके जो है सर्टिफिकेट इशू करवाओ तो उनको कहें कि भाई हमें ये सर्टिफिकेट कस्टम के लिए चाहिए और इसके अंदर पीए स्टैम्प वो लगा के देते हैं बैंक वाले। पीए स्टैम्प क्या होती है, उसके अंदर जो भी ऑथोराइज वहां का सिग्नेचर होता है, उनका नाम लिखा होता है, उनका कोड वगैरह सब चीजें लिखा होता है, तो वो साइन करता है, वो पीए स्टैम्प जरूरी है क्योंकि मैंने ऐसे भी वहां पे केस देखे हैं, वो स्टेटमेंट तो सही थी उनकी लेकिन उस पर स्टैम्प नहीं थी, तो उन्होंने उसको वापस भेज दिया कि भाई जाके स्टैम्प लगवा कर आए। इसके बाद जो है लास्ट और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मसले मसाइल थे, जो बहुत ही कॉमन इशू जो था वहां पर, मैंने काफी जो कॉमन इशू वहां पर देखा वो यही था कि एनटीएन के अंदर जो इंक्वायरी जब हम निकाल रहे होते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ एनटीएन की जो है वो इंक्वायरी जिसपे निकालते हैं, एफबीआर में जाकर ऑनलाइन जो है हम अपना एनटीएन या एनआईसी नंबर जो है टाइप करके सर्च करते हैं, कुछ इस तरीके से पूरी डिटेल आ रही होती है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्टिविटी जो है ना, आप यहाँ पर जो है इम्पोर्टर एक्सपोर्टर जरूर आनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है इम्पोर्टर एक्सपोर्टर यहाँ पर जो है ये जरूर आनी चाहिए। आगे जो है डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, जो भी हो वो भी भले आए, लेकिन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर अगर इसके अंदर नहीं हुआ तो वो आपको रिटर्न कर देंगे। और ये इशू मैंने काफी कॉमन वहां पर देखा, जो है काफी लोगों के वहां पर आ रहे थे जिसके अंदर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, लेकिन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर नहीं लिखा हुआ था। अब जो भी है लेकिन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर इसके अंदर लाजमी आना चाहिए। और हाँ, एक और चीज जो है वो है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का जो फॉर्मेट पहले था वो अब जो है चेंज हो गया है, अब अंडरटेकिंग जो है आपको जो है नहीं लगानी पड़ेगी। अब जो नया फॉर्मेट है मैं आपको बताता हूँ, नया फॉर्मेट है ये। अब इसके अंदर तक वो है तो तकरीबन वही, सिर्फ इसके अंदर उन्होंने दो तीन जो है चीजें जो है इसके अंदर पॉइंट जो है वो चेंज कर दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई आप जो है जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, चाहे वो पर्सनल हो या कंपनी के हो, वो तमाम जो है बैंक अकाउंट आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। मतलब कि जो भी आपके बैंक अकाउंट है उन तमाम की जो है आपको बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है आपको निकलवानी पड़ेगी, सबकी जितने भी अकाउंट है आपके पर्सनल हो या कंपनी के, उन तमाम की जो है वो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट उन फाइल में आपको लगानी होगी। और एक और चीज इस पॉइंट के अंदर वो कह रहा होता है कि भाई यहाँ पे अगर ये आईडी इशू होने के बाद भी अगर आप किसी बैंक में अपना अकाउंट खोलते हो
तो जो है कस्टम्स अथॉरिटी को जो है आपको अपडेट करना होगा अपने नए बैंक अकाउंट के हवाले से, यानी कि उसकी भी जो है बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपको जमा करानी पड़ेगी। एक नई फटीक इन्होंने निकाली है, तो ये वाली अंडरटेकिंग जो है अब आपको जो है लगानी पड़ेगी। इस पे आप जो है अपना नाम साइन वगैरह यहाँ पे है, सब चीजें यहाँ पे लिख के जो है साइन करोगे। अब इसके अंदर जो है किसी जो है गवाह वगैरह की जरूरत नहीं है। जो पुरानी अंडरटेकिंग थी उसके अंदर दो गवाह होने चाहिए थे, उनके एनआईसी की कॉपियां लग रही थी, लेकिन इसके अंदर किसी गवाह वगैरह की जरूरत नहीं है। बस आपने नाम वालिद का नाम एनआईसी लिख के जो है वो साइन कर दें तो काम चल जाएगा। और ये जो हमारे पास टाइप की हुई है ये अंडरटेकिंग, इसका भी हम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है मेंशन कर देंगे, ताकि आपको जो है इसको टाइप ना करना पड़े आपकी आसानी के लिए। दोस्तों ये वो मसले मसाइल थे जो लोग जो है वहां फेस कर रहे थे। दोस्तों देखिए जो वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, जो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर रहे होते हैं, वो डॉक्यूमेंट इसी नियत से चेक करे होते हैं कि कोई ना कोई गलती निकलवाए और धक्के खिलवाए इनको। पता नहीं उन लोगों को क्या मिल रहा होता है ये सब चीजें करने के अंदर। वो गाइड भी सही आपको नहीं करेंगे, सही करा के आओ, बस इतना बोल देंगे सही करा के आओ। भाई किधर से सही करा के आए, कहाँ से सही करा के आए ये तो हमें बताएं, वो भी नहीं बताएंगे आपको कहाँ से सही करा के, बस सही करा के आओ। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर जो है हमने जो फील किया, जो एक्सपीरियंस किया, वो आपके साथ शेयर किया कि भाई इन चीजों का जो है आपको ख्याल रखना जरूरी है। अगर आपने भी वो मिस्टेक्स की तो आप भी जो है वो धक्के खाते रहोगे। वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस जो है वो कर रहे हैं, बिल्कुल भी हर चीज जो है परफेक्ट होनी चाहिए। एक भी चीज के अंदर कोई भी अगर मसला आता है तो वो फौरन आपकी फाइल जो है वो वापस कर देते हैं कि भाई सही करवा कर आओ। तो इन चीजों का ख्याल रखें और उम्मीद है जो है आपकी मुसीबत जो है वो कम हो जाएगी इससे। सो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे और थोड़ी सी भी हेल्प हम आपकी कर पाए हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।